पहले दुकान, उसके आगे सामान, फिर सड़क पर लगी रेहड़ी और हो गया रोड जाम। यह हालत उस रेवाड़ी के बाजारों की है जहां प्रशासन लगातार सौंदर्यकरण के दावे करते नहीं थकता और अधिकारी हैं कि भारी दबाव आने पर कभी कभार पुलिस को साथ लेकर निकल पड़ते हैं बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन स्थिति वहीं ढाक के तीन पात है। हमारे शहर का बुरा हाल है और प्रशासन हमारा बिल्कुल फेल है। मैं सभी सुनता तो मैं आसाम बंगाल बिहार के शहरों में देखता था तो मैं ऐसा लगता था यार बड़े गंदे शहर है, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ पंचनार पर देखा तो हमारा रेवाड़ी शहर का तो इतना बदतर हाल है कि आपको खुद ही बुरा हाल है। प्रशासन दो दिन तो हल्ला मचाता है, बाहर निकलता है गंदे गाड़ियाँ लेके, उसके बाद फिर अंदर घर में घुस के बैठ जाता है। अभियान चलाए गए लेकिन बस वो ढोल के पोल वाली बात हो रही है कि उस टाइम कर दिया वे चले गए, बाद में आके वहीं खड़े हो गए। सरकार का अपना कोई रोक दिखाई नहीं दे रहा। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि बस वो इस पे जोर दे के और अतिक्रमण को खत्म किया जाए। भाई इसके बारे में तो जो दुकानदार लगाते हैं, मेरे निजी विचार है कि उनसे जाके आप मीडिया के माध्यम से आप उनसे बात करनी चाहिए कि आप बताओ कि भाई किस कारण से आपने ये लगाई हुई है। ये तो उस बारे में तो ये वही दुकानदार ही बता, कहीं ना कहीं अतिक्रमण को तो बढ़ावा मिल रहा है इससे। भाई इफेक्ट तो होता ही है, आमजन को दिक्कत तो होती है, लेकिन जिस दुकानदार ने लगाई है उससे जाके मीडिया या प्रशासन अगर उनसे बात करे तो कहीं ना कहीं उचित हल निकलने की पूरी संभावना है। एक्चुअली में क्या है, हमारे पास स्टाफ की कमी है। दूसरा कि ये मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें प्रायोरिटी पे आ जाती हैं। अब जो स्टाफ है उनको सबको इलेक्शन में भी लगाया, बीच बीच में हम करते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमारे से चल नहीं पाया क्योंकि वो बीच में इलेक्शन वाला काम आ गया तो हम फरवरी से उसके अंदर एंगेज हो गए थे, तो सारा स्टाफ उसी में लगा हुआ था। खबर प्रादेशिक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। प्रदेश की तमाम खबरों के साथ अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।